நம சிவம் மகாகுண்டலம் சத்தியம் சிவம் மகாகுண்டலம் जय हो बाबा। वृंदावन कुंभ में तैयारियां तो जोरों पर है ही, साथ ही साधु संत सन्यासी भी पहुंचने लगे हैं। हमारी केसी घाट के पास ही कुछ संतों से मुलाकात हो गई और बात करते हैं, औघड़ बाबा मिले हैं और औघड़ बाबा के दर्शन बड़े मुश्किल से होते हैं, कहीं वो शमशान में लेट जाएंगे, कहीं भूमि पे लेट जाएंगे और खाने पीने का भी उनका जो ढंग होता वो पूरी अलग तरह का। तो औघड़ की परंपरा क्या होती है उसके बारे में जानकारी करेंगे। संत हैं महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी का जरा खोपड़ी का देख लें, बाबा जी खोपड़ी जरा दिखाइए, कैसी है खोपड़ी, इसमें क्या क्या खाते हो आप? इसमें दारू पीते हैं। क्या पीते हो? दारू मदिरा। दारू बाबा क्यों पीते हो? दारू हमारे शमशान में चढ़ता है। चढ़ता है? महाकाल को चढ़ता है। कब चढ़ता है? अरे जब वो चढ़ाए जो महाकाल को। हाँ? तो महाकाल ने तुम्हें फोन करके बोला है क्या कि दारू पियो? हाँ, हमको बतावा तो भस्मी लगावा करो। कब बोलते हैं? वो 4 बजे चिल्ला दिया था। क्या कहते हैं? कहते भस्मी लगा लियो और दारू पी लो। हाँ, तो इसी में पीते हो? हाँ, बोले इसी में पीते। धोए धोए तो नहीं है, इसमें धोए नोए नहीं है। ये आदमी की खोपड़ी है? हाँ। कहाँ से मिल गई थी? अरे ये शमशान में मिल जाते। इसे डर नहीं लगता? इससे डर नहीं लगा था, इनका जो पूजित है, खवाई थे, पियाई थे, तो हमारा रक्षा करता है। रक्षा करते हैं? हाँ। अरे दुनिया के रक्षे संत करते हैं, तुम्हारे रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षा महाकाल, दुनिया तो करता ही है ना महाकाल। हाँ, पहले उनका भेजे था कि जो शमशान में मरा था कम मरे कम मरे। हाँ। उनसे प्रार्थना करते हो? हाँ। क्यों करते हो उनसे प्रार्थना? हमका देखा नहीं जाता है। जन कल्याण के लिए? हाँ। तुम मरते हुए लोगों को देख नहीं सकते? नहीं देख सकते। दुख होता है? दुख होता तो रोता हूँ। कहाँ रोते हो? शमशान में आओ, कहाँ पब्लिक में रोए भाई? सारे तुम लोग तो कहो कि क्या रोवत है। अच्छा, तुम शमशान में चले जाओ, रो ले भाई, और भूखा प्यासा रहा भाई तो हड्डी उड्डी चबाई ले भाई। हड्डी चबा लेते हो? हाँ। मुर्दा भी? मुर्दे का हड्डी और खाए का जानवर का हड्डी? जानवर हड्डी हम नहीं खाते। केवल मुर्दा आदमी का? आदमी का खाते हैं। कच्चा की पका के? अरे वो जो जल जाता है। हाँ। तब वो वही जला जला चबाई लेता है और पानी पी लेता है। तो उससे वो नहीं डर नहीं लगता? अरे भूख मिट जाता है। भूख मिट जाता है? अच्छा, तो ये तो भोलेनाथ ने नहीं कभी कहा है? अरे भस्मी चला तो भोलेनाथ तो बड़े हैं, नाथ हूँ नाथ, और महाकाल का भस्मी लागत है। और तुम चेला हो उनके? हम उनके चेला। अच्छा, तो रोते काहे हो, काहे तुम्हें रोना आ जाता है? रोना आ जाता है, ये रुलाई दिया है जब शमशान में देखे थे। अच्छा। तो जब शमशान में भूत रोवत है, उनके घर वाले रोवत है। हाँ। तो रोवे लगी थे। अच्छा, घर क्यों छोड़ दिया फिर? हम घर के शिवम महाकुंडलम सत्यम शिवम महाकुंडलम जय हो, जय हो भोले। हम उनके चेले हैं। जय हो बाबा, जय हो, जय हो, जय हो। और थाना पुलिस पैदा कर दी है, और दी दे दिन तो ये नहीं तुम भगवान बन गए हो। भगवान तो महाकाल है। और चाहे ले तो भस्मी कर दी, अब एक मिनट में भस्म हो जाइयो, शमशान में बुलाई ले तत्काल। जय हो, जय हो। सही बात है। तो आशीर्वाद दे ना सको तो हमारे में अड़ंगा न डाओ भस्मी में। जी नहीं समझे हो? हमका 1 रुपया नहीं दे सकता हो तो हम शमशान में हन तो हमका रोक नहीं सकता हो। शमशान तो आप ही का है। हाँ। आप ही का स्थान है। हमारे 2 शमशान है लखनऊ में, एक मवैया चित्ता खेड़ा। अच्छा। और एक भैंसा कोंडा। जी हम वो दिन में हुआ भस्मी खेले चला जाए तब यहाँ लगना जाओ तो मुर्दा फिर वहाँ भाग लेते। जहाँ मुर्दा आ जाता वहाँ भाग जाते हो? हाँ। मुर्दा पीछे पीछे भागते हो? हाँ, मुर्दा पीछे जब मुर्दा आ जाए तो तुम्हारा भूख प्यास सब मिट जाता है। वही एक साधना है तुम्हारी? वही हमारे साधना है। बोलो भोलेनाथ की जय। महाकालेश्वर भोलेनाथ सप्तम शिव महाकुंडलम। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे जो है महाकाल के ये पुजारी हैं, सन्यासी हैं, और इन्होंने बताया है कि मांस भी खा लेते हैं। संत की अलग अलग परंपराएं हैं भारत में, हालांकि महाकाल से अब इनका क्या जुड़ाव है, कैसे जुड़ाव है कि भोलेनाथ बोलते हैं, लेकिन जो ये बता रहे हैं वो इसी तरह का कि इन्हें मांस मदिरा सब कुछ खाने का कोई परहेज नहीं है। और मुर्दा खासकर बता रहे हैं, जैसे ये देखिए ये बड़ी विडम्बना है कि मुर्दा तक इन्हें खाना पड़ता है, खाते हैं, और जब इनके शमशान में मुर्दा पहुँच जाता है तब ये उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं कि आज इन्हें भोजन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए।